गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और साथ में अफगानिस्तान के बीच T20 का सेकंड मुकाबला खेला जाएगा। अब ये भी जो मुकाबला देखा जाए भाई, ये भी मुकाबला जैकपॉट मुकाबला होने वाला है मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि T20 के फर्स्ट मुकाबला में हम सभी लोगों ने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट में रहा हूं। अब देखो इस मुकाबला में सोच रहे हो कि भाई प्रॉफिट बनाना, काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना, तो आप इस वीडियो को क्या कर लेना, पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट पिक होगा, कौन कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना है, कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम से ड्रॉप करना है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। खास करके हम बात करेंगे कि मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट कैप्टन किसे बनाना है और साथ में वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किसे करना है, एक एक चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब देखो T20 के फर्स्ट मुकाबला में मैंने आपको वीडियो में क्लियरली बोला था कि भाई शिवम दुबे खेलता तो शिवम दुबे को अपनी टीम में लेकर के चलना, साथ में मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला था भाई इंपोर्टेंट प्लेयर से कैप्टेंसी और साथ में वाइस कैप्टेंसी के लिए मोस्ट पिक रहेगा। अब उनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो उस मुकाबला में ओनली 10% लोग ही अपने टीम में लेकर के जा रहा था। अब भाई जानो कि यहां पर से जो लोग 10% लोग अपने टीम में लेकर के जा रहा था उस खिलाड़ी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो वह टीम प्रोवाइड किया था उसमें अपने टीम में क्या है कि भाई वाइस कैप्टन बनाया था। अब देखो उसका प्रूफ देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर आपको सारा प्रूफ देखने को मिल जाएगा T20 के फर्स्ट मुकाबला में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखो T20 की ये जो सेकंड मुकाबला रहेगा, ये जो मुकाबला खेला जाएगा होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब इसका पीस के अकॉर्डिंग आंसर तो भाई ये जो पीस है सबसे अलग और सबसे डिफरेंट पीस होने वाला, आगे आपको बताऊंगा कि इस पीस के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा, कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना, कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम से ड्रॉप करना है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको क्या कवर करके देने वाले हैं, सबसे पहले आपको यहां पर से मैच डिटेल्स देखने को मिलेगा, पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, साथ में क्या होता है कि भाई यहां पर से सबसे बड़ी बात आता है पीस रिपोर्ट, क्योंकि देखो पीस रिपोर्ट काफी ज्यादा जानना इंपोर्टेंट होता है कि पीस रिपोर्ट क्या रहने वाला है, इस पीच के लिए कौन सा बॉलर से इंपोर्टेंट होगा और कौन सा बैटर से इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि भाई मेगा ग्रैंडली को फाइंड आउट करना चाहते हो, मेगा ग्रैंडली में अच्छे रैंक लाना चाहते हो, तो भाई सबसे पहले पीस रिपोर्ट जानना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। उसके बाद प्लेयर्स स्टैट्स बताऊंगा और साथ में जो प्लेयर्स का रिसेंट स्टैट्स होगा ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा और साथ में यहाँ पर से जानेंगे कि मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट पिक होगा। साथ में जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। साथ में फाइनल टीम के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन में कोई भी चेंजेस करूंगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को टॉस होने के बाद बता दूंगा, क्योंकि टॉस होने के बाद जो करंट पीस रिपोर्ट होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराता हूं, जो प्लेइंग 11 टीम होता है दोनों टीम का मैं टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूं, यानी मैच से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया जाना से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी तरीके से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं यहां पर से बैनु स्टैट्स के अगेंस्ट आ जाए, यदि बात करूं पीस रिपोर्ट का तो देखो फ्रेंकली पीस होने वाला हुआ बैटिंग पीस होने वाला, बैटिंग पीस के साथ साथ यहां पर से एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग आ जाओ तो एवरेज स्कोर 210 का एवरेज स्कोर है। अब आगे बताऊंगा, अभी यहीं पर आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा, यदि एवरेज स्कोर की बात करोगे ना तो भाई काफी अच्छा खासा बैटिंग पीच होने वाला, फ्रेंकली बैटिंग पीच होने वाला। हाइस्ट स्कोर की बात करते हैं तो हाइस्ट स्कोर इस वेन्यू पर 260 रन बनाए है, लोएस्ट स्कोर 142 का। यदि वेन्यू स्टैट्स के अगेंस्ट आ जाते हैं यहां पर से इस वेन्यू पर जाने थे तो टोटल T20 का 3 मुकाबला खेला गया जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाले टीम ने 2 मुकाबला को विन किया, बैटिंग सेकंड डाउन करने वाले टीम ने 1 मुकाबला को विन किया। यदि बात करें यहां पर से स्कोरिंग पैटर्न्स का तो 150 रन का स्कोरिंग एक बार है। अब देखो 150 और 169 के बीच में स्कोरिंग 0 बार, 170 और 190 के बीच में आते हैं तो स्कोरिंग 0 बार है, 190 के ऊपर आ जाओ तो 2 बार स्कोरिंग रहा है। अब इससे देखा जाए तो यहां पर से काफी ज्यादा एडवांटेज कब रहेगा, यदि टीम इंडिया फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो आपको बड़े आसानी तरीका से
200 के ऊपर रन देखने को मिल जाएगा जिस तरह से पिच आपको बताया हूं, क्योंकि फ्रैंकली बैटिंग पिच है भाई। यहां पर से क्लियरली बैटर्स को मदद मिलेगा क्योंकि तीन मुकाबला में देख लो, दो मुकाबला में आपको यहां पर से जो रन देखने को मिला 190 के ऊपर रन देखने को मिला। टीम इंडिया फर्स्ट डाउन बैटिंग करता, 200 के ऊपर रन देखने को बड़े आसानी तरीके से मिलेगा ही। अफगानिस्तान टीम की बात करोगे, यदि फर्स्ट डाउन यदि बैटिंग करता अफगानिस्तान टीम तो 170 से 190 के बीच में आपको स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां पर से जो रीसेंट मुकाबला खेला गया इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि क्या स्कोरिंग देखने को मिलेगा, कितना पेसर्स बॉलर्स को विकेट मिलेगा, कितना स्पिनर्स बॉलर्स को विकेट मिलेगा। सबसे पहले देख लो यहां पर से ये जो मुकाबला खेला गया साउथ अफ्रीका साथ में इंडिया के बीच, साउथ अफ्रीका टीम का स्कोरिंग देखते 20 ओवर में 3 विकेट पर 227 रन बनाया साउथ अफ्रीका टीम ने, वही टीम इंडिया ने यहां पर से देखते तो ओनली 178 रन का स्कोरिंग किया, यहां पर देखा जाए तो पूरा 10 विकेट गिरा। अब पेसर्स बॉलर्स की बात करोगे फर्स्ट इनिंग में तो 2 विकेट, सेकेंड इनिंग में 8 विकेट, पूरा 10 विकेट देखा जाए तो यहां पर से पेसर्स बॉलर्स को इस मुकाबला मिला, स्पिनर्स बॉलर्स को ओनली 2 ही विकेट मिला। फिर यहां पर से देखते श्रीलंका और साथ में इंडिया के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें श्रीलंका टीम ने 142 रन का स्कोरिंग किया पूरा 20 ओवर में 9 विकेट पर, टीम इंडिया ने चेस करते हुए 144 रन बनाकर के मुकाबला को विन किया। फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों में बात करें तो पेसर्स बॉलर्स को 7 विकेट मिला, फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट और सेकंड इनिंग में ओनली 1 विकेट मिला। यदि स्पिनर्स बॉलर्स की बात करें तो यहां पर से स्पिनर्स बॉलर्स को टोटल 5 विकेट मिला, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट मिला। फिर यह जो मुकाबला खेला गया टीम इंडिया और साथ में यहां पर से श्रीलंका के बीच जिसमें टीम इंडिया ने इस वेन्यू पर हाईएस्ट स्कोर T20 फॉर्मेट में किया 20 ओवर में 5 विकेट पर 260 रन का स्कोरिंग है। अब यहां पर से देखते चेस करते हुए श्रीलंका टीम ने ओनली 172 रन का स्कोरिंग किया, फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के बात करूं तो पेसर्स बॉलर्स को 7 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स के अकॉर्डिंग आ जाओ तो स्पिनर्स बॉलर्स को सेकंड इनिंग में 7 विकेट मिला। यदि काफी ज्यादा एडवांटेज की बात करूं तो काफी ज्यादा आपको जो विकेट निकालते हुए दिख जाएगा वह पेसर्स बॉलर्स विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। यदि बात करूं स्पिनर्स बॉलर्स में तो आगे आपको बताऊंगा जो क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स होगा उसे अपनी टीम में लेकर के चलना, ऐसा नहीं कि स्पिनर्स बॉलर्स को विकेट नहीं मिलता, स्पिनर्स बॉलर्स भी विकेट निकालते हुए दिखता है, लेकिन काफी ज्यादा कब विकेट मिलता है सेकंड इनिंग में जो स्पिनर्स बॉलर्स बॉलिंग करेगा उसे आप अपनी टीम में लेकर के चलना। जो टॉस होने के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सजेशन कर दूंगा कि भाई कौन सा टीम टॉस देता है और कौन सा स्पिनर्स बॉलर्स को अपनी टीम में पिक करके चलना। बात करें दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में तो दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में 5 मुकाबला खेला गया जिसमें 5 मुकाबला की बात करो तो टीम इंडिया ने ही 6 मुकाबला खेला गया जिसमें 5 मुकाबला टीम इंडिया ने ही विन किया। बात करें यहां पर से सबसे पहले अफगानिस्तान टीम का पिछले 5 मैच में तो पिछले 5 मैच में T20 फॉर्मेट में 2 मुकाबला लॉस्ट हुआ, 3 मुकाबला विन किया। यदि टीम इंडिया के अकॉर्डिंग आ जाते हैं पिछले 5 T20 मुकाबला में तो 1 मुकाबला ही आ रहा है, 4 मुकाबला विन करते हुए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर से बात करेंगे हम लोग सबसे पहले टीम इंडिया का। अब देखो अफगानिस्तान की तरफ से सबसे पहले देख लेते प्लेइंग 11 टीम, उसके बाद टीम इंडिया की तरफ से जानेंगे कि कौन सा प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। अफगानिस्तान की तरफ से आ जाते हैं तो इस मैच में देखो आपको सबसे पहले गुरबाज और साथ में इब्राहिम सदरान, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगा। फिर रहमत शाह, फिर यहां पर से देखते हैं तोमर जाई आ जाते हैं, फिर यहां पर से नजमुल्ला सदरान, फिर यहां पर से देखते हैं तो यहां पर से गुलाबुद्दीन नबी आ जाते हैं, फिर यहां पर से मोहम्मद नबी, उसके बाद करीम जनात हो गए, मुजीबी रहमान, फैजल हक फारूकी और साथ में नवीन उल हक, जो कि कुछ इस प्रकार से अफगानिस्तान की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब बात करते हैं बॉलिंग का, तो यहां पर से बॉलिंग के अकॉर्डिंग आ जाओ तो ये जो 4 बॉलर्स देख रहे हो भाई, ये 4 बॉलर्स अपना पूरा स्पेल का 4 ओवर बॉलिंग करते हुए देखी जाएंगे, साथ में यहां पर से मोहम्मद नबी भी 4 ओवर बॉलिंग करेंगे। तो फ्रेंकली देख लो यहां पर से ये जो बात करोगे तो 5 बॉलर्स आपको यहां पर से दिखाई देता हुआ अफगानिस्तान की तरफ से। अब देखो ये 5 बॉलर्स में से कौन सा बॉलर्स अपनी टीम में लेकर के चला अफगानिस्तान की तरफ से, एक या दो बॉलर्स को कौन सा बॉलर्स होना चाहिए अपनी टीम में पिक करना, एक एक प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखो अफगानिस्तान की तरफ से देखेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट होगा, किसे अपनी टीम में लेकर के चलना है, किसे अपनी टीम से ड्रॉप करना है। सबसे पहले यहां पर से हम लोग बात करेंगे गुरबाज का, गुरबाज के अकॉर्डिंग आंसर राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, रीसेंट फॉर्म में 23, 20, 21, 100 फिर यहां पर से 8 रन का स्कोरिंग है। यदि टीम इंडिया के सामने एवरेज देखा जाए तो ओनली 14 का एवरेज है, टीम इंडिया के सामने 3 मुकाबला खेले ओनली 42 रन बनाए, एवरेज काफी देखा जाए तो खराब एवरेज बनाते हुए दिख रहे हैं टीम इंडिया के सामने। बैन पर कुछ भी नहीं, T20 फॉर्मेट में भी 25 का एवरेज है, ये दोनों मुकाबला में देखा जाए, ये दोनों नहीं मतलब T20 फॉर्मेट में ही बोल सकते हो, हेड टू हेड और साथ में यहां पर से
T20 फॉर्मेट में कुछ खास एवरेज नहीं है। तो आप अपने टीम में लेकर के चलते हो या टीम से ड्रॉप करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे चाहते हो अपनी टीम में ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप उससे बात करते हैं सबसे पहले इब्राहिम ज़दरान का। अब देखो इब्राहिम ज़दरान अपने टीम में लेकर के चलना, इब्राहिम ज़दरान को अपनी टीम में पिक करके चलना, इंपोर्टेंट खिलाड़ी है। क्योंकि यहाँ पर से रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, 25-23 फिर यहाँ पर से 59 और साथ में 22 रन का स्कोरिंग है। टीम इंडिया के सामने दो मुकाबला के लिए 89 रन बनाए। यदि एवरेज की बात करोगे तो टीम इंडिया के सामने काफी अच्छा खासा एवरेज है, T20 फॉर्मेट में 26 के एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी में से आपके लिए काफी ज्यादा सेफ रहेगा कि आप अपने टीम में इब्राहिम ज़दरान को लेकर के जा सकते हो। वैसे मैं अपनी टीम में तो पिक करके जाऊंगा ही। फिर बात करते हैं यहाँ पर से रहमत शाह का। रहमत शाह के अकॉर्डिंग आ जाए राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 3-32-38-26 फिर यहाँ पर से 30 रन का स्कोरिंग है। हेट विड में एक मुकाबला के लिए ओनली 3 का एवरेज है। यदि इनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो बहुत कम लोग ही अपनी टीम में लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आप अपने टीम में लेकर के चलना क्योंकि भाई T20 फॉर्मेट में काफी जबरदस्त था रिसेंट फॉर्म में। इस मैच में कम से कम आपको 45+ रन स्कोरिंग करते हुए देखे जाएंगे, तो टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। मेगा ग्रैनली के पॉइंट ऑफ व्यू से इन इंपोर्टेंट प्लेयर्स होने वाला, वैसे तो मैं अपने टीम में लेकर के जाऊंगा ही। फिर बात करते हैं यहां पर से उमर जाई का। राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। रिसेंट फॉर्म में 29 रन 1 विकेट, 16 रन 2 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 19 रन 0 विकेट, 25 रन 2 विकेट। विकेट की बात करते हैं, कंटिन्यू विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। यदि बैटिंग से बात करते हैं तो बैटिंग से भी 30+ रन का कम से कम तो स्कोरिंग करते हुए दिख ही जाएंगे। टीम में लेकर के चलना है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए सेफ रहेगा। वैसे देखो कैप्टन के लिए तो उतना कुछ खास एडवांटेज नहीं रहेगा, लेकिन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो वाइस कैप्टन पिक करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेट वेट में दो मुकाबला 30 रन बनाए, एवरेज 15 का एवरेज है। T20 फॉर्मेट में 27 का एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर से बात करेंगे नजमुल्ला ज़दरान का। नजमुल्ला ज़दरान के अगेंस्ट आ जाए तो लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 19-28-12 फिर 5 रन का स्कोरिंग है। हेट वेट में 4 मुकाबला ओनली 11 का एवरेज है। T20 में 32 के एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। एवरेज की बात करो T20 फॉर्मेट में तो ठीक ठाक एवरेज है, लेकिन रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाते हैं पिछले 5 मुकाबला में एक भी मुकाबला में 30+ रन का स्कोरिंग नहीं है। फिर बात करते हैं यहां पर से गुलाबदीन, यहां पर से नवी के अगेंस्ट आ जाते हैं। राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 27 रन, 26 रन, 1 विकेट, 7 रन, 3 विकेट, फिर यहाँ पर से 0 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। हेट वेट में टीम इंडिया के सामने 4 मुकाबला 50 रन एवरेज के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। एवरेज भी कुछ खास नहीं, ओनली 1 विकेट है। T20 फॉर्मेट में अभी तक के 26 विकेट निकाला है और साथ में यहाँ पर से 19 का एवरेज है। मोहम्मद नबी के अकॉर्डिंग आ जाए, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। रिसेंट फॉर्म में 42, 0 विकेट, 1 रन, 0 विकेट, 47 रन, 1 विकेट, 4 रन, फिर यहाँ पर से 0 विकेट और साथ में 16 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब बात करोगे तो बॉलिंग और साथ में बैटिंग, यदि बात करते हैं रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो रिसेंट फॉर्म में इनका बैटिंग ठीक ठाक चल रहा है। बॉलिंग के अकॉर्डिंग आ जाओ तो यही चांसेस रहेगा कि बॉलिंग से आपको कहीं ना कहीं 1 विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे। बैटिंग से बात करोगे तो 30+ रन का तो स्कोरिंग देखने को मिलेगा ही, तो टीम में लेकर के चलना है, टीम से ड्रॉप मत करना। वाइस कैप्टन चाहते हो पिक करना तो वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो, थोड़ा बहुत आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपनी टीम के लिए क्या है कैप्टन भी करके जा सकते हो, क्योंकि T20 फॉर्मेट में 22 का एवरेज है, अभी तक के 88 विकेट है। करीम जनत के अगेंस्ट आ जाए, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म में 4 मुकाबला 54 रन, 27 का एवरेज है, 1 विकेट है। हेट वेट में कुछ भी नहीं, बैन ऊपर कुछ भी नहीं। T20 में 54 मुकाबला 524 रन, 16 का एवरेज है और साथ में यहां पर से 39 विकेट निकाले। यदि देखा जाए तो इस मैच में यदि इनको मौका मिलता है तो भाई टीम में लेकर के चलना। करीम जनत इंपोर्टेंट प्लेयर्स है, इस मैच में कहीं खेल हुए देखे जाते हैं तो टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। फिर बात करेंगे यहां पर से मुजीबुर रहमान का। रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग ऐसा है तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है। अब देखो जो भी बॉलर्स राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है तो भाई उस बॉलर्स को अपनी टीम में लेकर के चलना है। आगे बात करें यहां पर से रवि बिश्नोई को लेकर के चलना या अक्षर पटेल को टीम इंडिया की तरफ से अपनी टीम में पिक करना। वैसे मुझे भी रहमान को तो टीम में लेकर के चलना है क्योंकि रिसेंट फॉर्म काफी तगड़ा है, कंटिन्यू विकेट निकालते हुए दिख रहे। देखो 2 विकेट पिछले मुकाबला में, फिर 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे। पिछले 5 मुकाबला में देखते तो पिछले 5 मुकाबला में एक ही मुकाबला में फ्लॉप गए, नहीं तो कंटिन्यू विकेट बंदा निकाल हुए दिख रहा है, तो टीम में लेकर के चलना है। हेट वेट में 2 मुकाबला 2 विकेट, बैन ऊपर कुछ भी नहीं। T20 में 44 मुकाबला 58 विकेट है। बात करें यहां पर से फैजल हक फारूकी का।
लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल, रिसर्व फॉर्म में जीरो विकेट, जीरो विकेट, एक विकेट, दो विकेट, दो विकेट, फिर यहाँ पर से जीरो विकेट है, हेट वेट में एक मुकाबला जीरो विकेट। लेकिन फैजल हक फारूकी काफी अच्छा खासा पेसर्स बॉलर है, टीम में चाहते हो पिक करना, टीम में मौका देना चाहते हो तो फैजल हक फारूकी को लेकर के जा सकते हो। बात करें यहाँ पर से नवीन उल हक का, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग स्टाइल, रिसर्व फॉर्म में जीरो, चार विकेट, जीरो विकेट, एक विकेट, एक विकेट, हेट वेट में दो मुकाबला जीरो विकेट, बैन पर कुछ भी नहीं, टी ट्वेंटी में 31 मुकाबला 39 विकेट है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर से देखेंगे टीम इंडिया का तरफ, टीम इंडिया के तरफ से प्लेइंग 11 टीम, टीम इंडिया के तरफ से प्लेइंग 11 टीम के अकॉर्डिंग ऐसा, तो देखो इस मैच में रोहित शर्मा और साथ में शुभमन गिल, ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए दिखेगा। लेकिन देखा जाए तो शुभमन गिल का रिसेंट फॉर्म की बात करो तो कुछ खास रिसेंट फॉर्म नहीं, तो इस मैच में कहीं इनको चांसेस बन सकता है, लेकिन इनको यहाँ पर से देखा जाए तो इनके जगह पर आपको यही चांसेस रहेगा कि यशस्वी जायसवाल कहीं ना कहीं खेलते हुए दिख जाएंगे। यदि जायसवाल खेलते हैं तो टॉस होने के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, बट उतना कुछ चांसेस नहीं है कि जायसवाल आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। फिर यहाँ पर से विराट कोहली, शिवम दुबे, जितेंद्र शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह। अब बॉलिंग के अकॉर्डिंग आ सब, तो यहाँ पर से बॉलिंग में देखो आवेश खान पूरा 4 ओवर बॉलिंग करेगा, फिर मुकेश कुमार पूरा 4 ओवर और साथ में अर्शदीप सिंह, तो मतलब यहाँ पर से ये तीन बॉलर्स 4-4 ओवर बॉलिंग करते हुए देखी जाएगा। रवि बिश्नोई जो की पूरा 4 ओवर, अब देखो यहाँ पर से अक्षर पटेल 4 ओवर, मतलब ये 5 बॉलर देखा जाए तो कंटिन्यू टीम इंडिया की तरफ से आपको बॉलिंग करते हुए पूरा 20 ओवर देखी जाएगा। अब जान लेते हैं कि टीम इंडिया की तरफ से कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा, कौन कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना। रोहित शर्मा के अगेंस्ट आ जाए, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 0 रन। देखो पिछले मैच में क्या है कि भाई शुभमन गिल इनको रन आउट करा दिया था, नहीं तो रन बनाता बंदा काफी अच्छा खासा, मतलब इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई तो ये आप बोल सकते हो, एक तो 14 महीना बाद इनको टी20 में मौका मिला, टी20 मुकाबला खेलने का। अब सोचो कोई बल्लेबाज को 14 महीने बाद मौका मिलेगा और भाई रन आउट होकर के जाएगा तो कितना खराब लगेगा। पिछले मैच में ये नहीं बोल सकते हो कि 0 रन का स्कोरिंग है, रन आउट होने के कारण बोल सकते हो कि भाई ये अपना विकेट, वो भी यहाँ पर से काफी ज्यादा जिम्मेदारी की बात करोगे तो शुभमन गिल का यहाँ पर से दिया जाता है, जो कि रन आउट रोहित शर्मा को कराया था। रिसेंट फॉर्म में 27-15-2 फिर 15 रन का स्कोरिंग है, हेट वेट में 3 मुकाबला, 75 37 का एवरेज है, एवरेज के अकॉर्डिंग आज काफी अच्छा खासा एवरेज है, बैन पर 0 रन और 118 रन का स्कोरिंग है, टी20 फॉर्मेट में 31 का एवरेज है। देखो शुभमन गिल की जगह पर लेकर के चलना रोहित शर्मा को ही। शुभमन गिल की बात करें राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, अब बात करोगे ना भाई ऐसे बल्लेबाज इंटरनेशनल मैच में देखा जाए तो इतना खराब स्कोरिंग करते हुए दिख रहा है। पिछले मैच में ओनली 23 रन, फिर यहाँ पर से 8-0 और साथ में 9 रन का स्कोरिंग है। क्या भाई इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि भाई टीम इंडिया में कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल को इस मैच में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जायसवाल के पास बोलोगे तो भाई क्वालिटी का बल्लेबाज है, 10-15 बॉल खेल जाता तो बंदा ऐसा 45-40 रन बड़े आसानी तरीके से स्कोरिंग करते हुए दिखता है। तो देखो यहाँ पर से शुभमन गिल को चाहते हो ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हो, वैसे बहुत सारा लोग अपनी टीम में लेकर के जा रहा है, बट देखा जाए तो इस मैच में मुझे नहीं लग रहा है रिसेंट फॉर्म में जिस प्रकार का हो सकता है स्कोरिंग कर भी सकता है, लेकिन उतना कुछ चांसेस नहीं है। लेकिन सेफ जाना चाहते हो तो लेकर के चलना, बट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए उतना कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं रहेगा। हेट वेट में 1 मुकाबला 23 रन बनाए, टी20 फॉर्मेट में देखा जाए तो ओनली 25 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे। विराट कोहली के अकॉर्डिंग आया सर, इस मैच में विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखेगा, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 50-26-64-12 फिर यहां पर से 62 रन का स्कोरिंग है, हेट वेट में 3 मुकाबला, बात करते 172 रन बनाए, इनका भी वापसी 14 मंथ बाद हो रहा है, ये भी बंदा 14 मंथ बाद टी20 का मुकाबला खेलेगा। अफगानिस्तान के सामने तगड़ा परफॉर्मेंस है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए मोस्ट पिक रहेगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करके ही चलना। बैन पर 30 रन बनाए, टी20 फॉर्मेट में 52 का एवरेज है। भाई एवरेज रन बनाने में बात करें तो विराट कोहली भाई ये तो है ही टीम में लेकर के चलना है। शिवम दुबे के अकॉर्डिंग आज है, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, रिसेंट फॉर्म में 60 रन 1 विकेट। देखो पिछले मैच में मैंने आपको प्रिडिक्शन करके दिया था वीडियो में, शिवम दुबे खेलता तो टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, इंपोर्टेंट बल्लेबाज है। और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको बोल दिया था भाई चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखेगा तो टीम में लेकर के चलना है। साथ में मैंने आपको सजेशन किया था कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी टेलीग्राम चैनल पर भी बोला था कि बना करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टीम में पिक करके चलना है। हेट वेट में 2 मुकाबला 60 रन 1 विकेट, टी20 में 35 का एवरेज है, फिर यहां पर से 7 विकेट निकाले। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पर से बात करते हैं जितेंद्र शर्मा। अब देखो क्या ना कि शिवम दुबे के अकॉर्डिंग आज तो एक आध ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, 1-2 ओवर, उससे कुछ खास चांसेस उतना नहीं रहेगा, विकेट मिलेगा तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं बॉलिंग करते हुए दिख ही जाएगा। फिर यहां पर से जितेंद्र शर्मा के अकॉर्डिंग आज
तीसरा राइट हैंड बैटिंग स्टाइल रिसेंट फॉर्म में 31-4 एक फिर यहाँ पर 24-35 रन का स्कोरिंग है, हेड टू हेड में दो मुकाबला 31 रन एवरेज के अकॉर्डिंग ऐसा 31 का एवरेज है, T20 में 16 का एवरेज है। रिंकू सिंह के अकॉर्डिंग आ जाए लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल रिसेंट फॉर्म में 16 फिर यहाँ पर से 14-68-6 और 7 में 46 रन का स्कोरिंग है, रिंकू सिंह को टीम में पिक करके चलना। देखो टीम इंडिया का देखा जाए T20 का मुकाबला टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज पर उतना जल्द अपना विकेट फेंकने की चांसेस नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर से जितेंद्र शर्मा की जगह पर आप अपने टीम में रिंकू सिंह को ही लेकर के चलना काफी ज्यादा सेफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर बात करेंगे अक्षर पटेल का, अक्षर पटेल के अगेंस्ट आ जाए लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टार लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट पिछले मैच में 2 विकेट काफी अच्छा खासा 31 रन 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट कंटिन्यू विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं, तो टीम में तो पिक कर देना है। हेट वन में 2 मुकाबला 2 विकेट बैन ऊपर 9 रन और 0 विकेट निकाले, T20 में 19 का एवरेज है 47 विकेट है। रवि बिश्नोई के बारे में जान ले एल विलिक ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है, अब देखो ये बॉलर्स को इस बैन ऊपर विकेट मिलने के चांसेस रहेगा ही रहेगा, कम से कम तो 2 विकेट फिक्स रहेगा। बहुत सारा लोग अपने टीम से ड्रॉप करके जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने टीम में लेकर के जाऊंगा क्योंकि बैन ऊपर स्पिनर्स बॉलर्स भी विकेट निकालते हुए दिखता है। अब वाइस कैप्टन भी हो सकता है तो मैं अपनी टीम के लिए बना सकता हूं, यदि टीम इंडिया फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस रहेगा रवि बिश्नोई का। रवि बिश्नोई क्योंकि यहां पर से देखा जाए तो भाई क्वालिटी का बोल सकते हो, स्पिनर्स बॉलर से विकेट निकालते हुए देखी जाएगा तो वाइस कैप्टन बनाने की काफी ज्यादा चांसेस रहेगा। टीम इंडिया फर्स्ट डाउन बैटिंग करके सेकंड डाउन बॉलिंग करता तो मैं अपनी टीम में रवि बिश्नोई को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट कंटिन्यू विकेट है, हेड टू हेड में 2 मुकाबला 1 विकेट, T20 में 22 मुकाबला और 7 में यहाँ पर से 34 विकेट निकाले। फिर आवेश खान के अगेंस्ट आ जाए, इस मैच में आवेश खान का भी वापसी हो रहा है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं, बैन ऊपर कुछ भी नहीं, मुकेश कुमार राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल है। अब देखो मुकेश कुमार T20 फॉर्मेट में क्या एक चीज ध्यान में लेकर के चलना, वैसे बहुत सारे लोग अब अपने टीम में लेकर के जाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं मुकेश कुमार जब भी टीम में इंडिया में रहता मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई डेथ ओवर इनका जो होता है ना डेथ ओवर में बॉलिंग काफी जबरदस्त का बॉलिंग करता बंदा, डेथ ओवर में तो फिक्स ही रहता कम से कम 2 विकेट तो इनको मिलना ही है। वैसे स्टार्टिंग ओवर की बात करोगे तो स्टार्टिंग ओवर में इनका गेंद उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन डेथ ओवर की बात करोगे तो भाई तगड़ा बॉलिंग करते हुए दिखता है। रिसेंट फॉर्म जबरदस्त का 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट कंटिन्यू विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं, हेड टू हेड में 1 मुकाबला और 2 विकेट निकाले। आगे बढ़ते हैं फिर यहां पर से बात करेंगे हर्षदीप सिंह का, हर्षदीप सिंह के अकॉर्डिंग ऐसा संदीप सिंह के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0 विकेट फिर यहाँ पर से 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट फिर यहाँ पर 1 विकेट है, हेड टू हेड में 3 मुकाबला 2 विकेट बैन ऊपर कुछ भी नहीं, T20 में 43 मुकाबला 59 विकेट। अब देखो एक तिलक वर्मा ये मत बोलना कि भाई ये मैं आपको 12 खिलाड़ी के बारे में बता रहा हूँ, तिलक वर्मा के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनके अकॉर्डिंग आ जाओ तो पिछले मैच में क्या कि इनको 3rd नंबर पर बैटिंग का मौका मिला था तो एडवांटेज रहेगा, कहीं आपको फिर से तिलक वर्मा खेलते हुए देखते हैं, लेकिन इस मैच में उतना कुछ चांसेस नहीं रहेगा तो टीम में पिक करके जा सकते हो। अब देखो फाइनली मैं अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया, मैंने अपने टीम में किन किन खिलाड़ियों को पिक किया हूं, फिलहाल देखा जाए तो कैप्टनसी में अपनी टीम के लिए तिलक वर्मा को ही पिक किया हूं। देखो तिलक वर्मा को पिक करने का रीजन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, लेकिन इस मैच में देखो चांसेस रहेगा कि विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखे जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको विराट कोहली के बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूं। गुरबाज को अपनी टीम के लिए वाइस कैप्टन बनाया, मेगा ग्राइंडिंग में कुछ यूनिक करना चाहते तो कुछ यूनिक बना करके चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर शिवराज सदरान रोहित शर्मा फिर यहाँ पर से देखते हैं रिंकू सिंह को अपनी टीम में पिक किया हूँ, ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नबी अक्षर पटेल उमर जाई शिवम दुबे, ऑलराउंडर्स में अर्शदीप सिंह और साथ में मुजीबुर रहमान को अपनी टीम में पिक किया हूँ। अब ये फाइनल टीम ने ये जो टीम देख रहे हो ना ये प्रिडिक्शन के अनुसार मैं अभी वीडियो के अनुसार मैं अपना टीम का कॉम्बिनेशन बनाया हूँ। टॉस होने के बाद जैसे हो सकता है चेंजेस प्लेइंग इलेवन में चेंजेस होगा तो मैं आपको फाइनल टीम कहां पर बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पर ही। तो आज आप इस वीडियो के बाद कहां पर मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर ही, और भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से क्या कर दो कि एक दबा के लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन कर देना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ सभी लोग।